नगर पंचायत मूसा नगर में गुटखा पान मसाला के नाम पर कालाबाजारी चरम सीमा पर। सूबे के मुखिया भले ही कालाबाजारी को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे हों, लेकिन मूसा नगर क्षेत्र में कालाबाजारी चरम सीमा पर है। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत मूसा नगर में चारों तरफ गुटखा पान मसाला में कालाबाजारी चल रही है। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत में चारों तरफ गुटखा पान मसाला में कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले, नगर पंचायत में गुटखा पान मसाला केसर SNK को दो गुना रेट पर बेचा जा रहा है। जब हमारे सहयोगी ने SNK एजेंसी मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां से माल उसी रेट में दिया जा रहा है। हमारा केवटारा मायक है, हम यही रहती है मूसा नगर में। अच्छा अच्छा, क्या करती हैं आप? यार चुटपुट की दुकान दुए कुड़िया धाली बैठा ना, जब करे बूते नहीं होता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि एक चर्चा के विषय बना हुआ है गुट पान गुटका मसाला में जो काला बाजारी चल रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं? महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, तो उससे वो बताओ कि हमें महंगा, यहाँ का दुकानदार महंगा देते हैं, बाकी एजेंसी वाले महंगा नहीं देते हैं। अच्छा, आपका मतलब जो एजेंसी से माल मिल रहा है? हाँ, वो रेट के रेट पर मिल रहा है। वो रेट के रेट पर मिला, लेकिन जहाँ जो दुकानदार जिनके यहाँ आप लेने जाती हैं, हाँ, वो आपको महंगा देते हैं। हाँ, अच्छा, एक 190 रुपए का बता गए, मेरे पास माल नहीं है तो मैंने पूछो कि बेटा एक पैकेट दे दे, तो 190 का बताओ। कौन दुकानदार है? कौन दुकानदार है? अब वो को मैं जानने नहीं आऊं। नहीं नहीं, आप माल लेते हैं, आप बात नाम तो बताइए कम से कम, कौन दुकानदार है जो इतना महंगा दे रहे हैं? नाम नहीं बता सकती कि मैं वो खजा नाम नहीं बताएंगे, डर लगता है कहीं आपको मसाला गुटका ना दे ना भाई। चलिए खैर ठीक है, देखो जो हमें एजेंसी वालों से लेने जाते हैं वो हमें 140 के रेट में देते हैं, जैसे दुकान वालों से लाओ तो 200 रुपए 180 रुपए के भाव दे रहे हैं। और वो बेचारे इतने अच्छे हैं, उनकी इतनी अच्छी इंसानी है, जैसे हम लोगों को मिलती भी नहीं तो वो चल के घर पे दे जाते हैं। अच्छा, कौन सी एजेंसी वाले हैं? अब राजू, क्या नाम? राजू केसर गुटका वाले, केसर गुटका वाले। अच्छा, केसर गुटका के जो एजेंसी वाले हैं वो सभी दुकान दुकान माल भिजवाते हैं? हाँ, जैसे और किस रेट का भिजवाते हैं? 140 जो रेट है, 135 40 जैसा भी है, मतलब इससे ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर कालाबाजारी कहाँ से शुरू होती है? अभी ये दुकान वाले कर रहे हैं कालाबाजारी, एजेंसी से जो बड़े दुकानदार ले जाते हैं वो लोग करते हैं ये सब। अच्छा, उनके द्वारा ये किया जाता है? उनके द्वारा ये सब हो रहा है, एजेंसी वालों की कोई गलती नहीं, वो अपने रेट पे दे रहे हैं। क्या आप चाहती हैं कि इस कालाबाजारी पे रोक लगाई जाए? रोक लगाइए बिल्कुल, और तुम्हें यकीन नहीं तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग तक आपको दे दें। अच्छा, जिस दुकान पूरा मामला ये है सर कि हम लोगों के यहाँ से रेट से सारा माल सप्लाई चला जाता है, माल कम मिलने के कारण लोग फुटकर दुकानदार बढ़ा बढ़ा के बेचा करते हैं। हाँ, उनको ये लगता है कि 30 पैकेट मिले हैं और बिक्री उनके यहाँ 120 पैकेट की है, तो इससे पूरा सबके पास नहीं पहुँचेगा, तो अपना माल दबा लेते हैं और जो है बढ़ा के रेट बिजनेस। अच्छा, जैसे अपने कस्टमर को देते नहीं है। जैसे कस्बे के कुछ दुकानदारों का, बड़े बड़े दुकानदारों का कहना है जी कि माल एजेंसियों से मिलता नहीं तो मुझे बाहर से ब्लैक में लाना पड़ता है, इसलिए मुझे महंगा देना पड़ रहा है। नहीं, मेरे यहाँ से जितना माल आता है हम अपने दुकानदारों को सबको बांट देते हैं, इस कस्बे से लेके अगल बगल गांव तक। कुछ रेट बेसी करने के लिए कुछ बहाना या कुछ जुड़ा करते हैं कि बाहर से लाए हैं, महंगा लाए हैं और महंगा बेचेंगे, यहाँ से हमें रेट से कम माल मिला है, इतने में पूरा नहीं होता है। उसमें ये सर कि ऐसा है कि एजेंसी वाले जो हैं, वो एजेंसी वाले जो अपने सही रेट पर दे रहे हैं सब दुकानदारों को माल है, और दुकानदार के यहाँ लेने जाओ तो वो कहते हैं तो 180 का पैकेट है सनकी का, 180 का केसर का है, तो जिसमें साहब दुकानदार सब एजेंसी से माल लाकर यहाँ कहते हैं कि हम बाहर से माल लाए, किराया भाड़ा करके महंगा लाए हैं है, और हम लोगों को 180 190 का दे रहे हैं दुकानदार, और एजेंसी से यहीं एजेंसी से माल उठाते हैं है, और माल उठाने के बाद यहाँ जो लोग महंगा देते हैं हम लोगों को। इसकी सूचना किसी अधिकारी को दिया आपने? सूचना हम लोग छोटे आदमी छोटे दुकानदार हैं, किस अधिकारी के पास जाएं हैं? हमको 2 पैकेट 3 पैकेट लाना, अपनी दुकानदारी छोटे हिसाब से चलाना, कोई बड़े थोकदार तो है नहीं हम, बड़े दुकानदार तो है नहीं हम, इस चीज़ को हम कोई अधिकारी को भागे फिरें हैं, तो कौन भाई अधिकारी कोई सूचना नहीं दी। कौन कौन दुकानदार हैं आपकी नज़र में जो इस तरह से ब्लैक कालाबाजारी करते हैं? एक तो अशोक चौरसिया हैं,
हैं, वो यहाँ से माल लाते हैं और यहाँ से माल लाने के बाद 180 जाते हैं कि मुद्दे 180 मिलेगी हैं, और यहाँ जाओ भरमूजे के पास ये सामने थाने के सामने 180 का ये भी देता है केसर, मानो तेली है वो भी 180 का जी सर, ऐसा करते हैं बहुत महंगा दे रहे हैं ये एजेंसी वाले दुकानदारों को, रेड टू रेड दे रहे हैं। और छोटे जो अशोक हैं और क्या नाम माधव है और क्या नाम ललुआ तेली है, ये 180 180 200 250 को दे रहे हैं गुटका। ये